नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में अग्निवीर बनने के लिए 1 से 9 जुलाई तक मोराबादी में भर्ती रैली। झारखंड के युवाओं के पास अग्निवीर बनने का सुनहरा अवसर है। इसको लेकर भारतीय सेना आगामी 1 से 9 जुलाई तक रांची के मोराबादी मैदान में भर्ती रैली आयोजित कर रहा है। हालांकि इस भर्ती रैली में केवल पुरुष शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में रांची के सेना भर्ती कार्यालय से सूचना जारी कर दी गई है। जारी सूचना में कहा गया है कि दलालों से सावधान रहे और उनके झांसे में नहीं आए। सेना में भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी है। बता दें, सेना द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि झारखंड के सभी 24 जिलों के पुरुष उम्मीदवार इस भर्ती रैली में शामिल हो सकते हैं। सामान्य प्रवेश परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मेल ID पर 12 जून को भर्ती कार्यालय की ओर से प्रवेश पत्र दिया गया है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर दी गई तिथि, समय और बताया गया स्थान पर उपस्थित होना है। सेना भर्ती कार्यालय के नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती रैली में अग्निवीर, GD, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, ट्रेडमैन 10वीं और ट्रेडमैन 8वीं की बहाली होगी। झारखंड में पॉक्सो एक्ट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। रांची में झारखंड अपराध अनुसंधान विभाग की ओर से पॉक्सो एक्ट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में पॉक्सो एक्ट में बेहतर अनुसंधान कैसे हो और कैसे दोषियों को सजा दिलाई जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। बता दें, पॉक्सो एक्ट के मामले में पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन कई मामलों में सजा नहीं दिलवा पाती, जिसकी सबसे बड़ी वजह पुख्ता और सटीक अनुसंधान न होना है। यही कारण है कि दोषी कोर्ट से बरी हो जाते हैं। इसको देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बेहतर अनुसंधान कैसे हो और कैसे दोषियों को सजा दिलाई जाए, इसे लेकर झारखंड अपराध अनुसंधान विभाग पॉक्सो एक्ट को लेकर 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ आदिवासी संगठन। वर्ष 2024 के चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीति गर्म होती जा रही है। एक तरफ केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन कर रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठे लोग इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर राजधानी रांची में भी आदिवासी संगठनों ने विरोध जताते हुए आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों ने रविवार को धूमकुड़िया भवन में बैठक की। रांची में हुए बैठक के बाद बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ चंपिया ने बताया है कि भारत के संविधान के अनुसार जो क्षेत्र आदिवासी बहुल्य है या फिर जहां पर 5वीं अनुसूची लागू है, वहां पर कॉमन लोग एप्लीकेबल नहीं हैं। देवेंद्रनाथ चंपिया ने बताया है कि जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट सहित विभिन्न जगह पर आदिवासियों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इन कानूनों के लिए आदिवासियों को कॉमन मैन के रूप में देखा गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी रांची में नहीं हो रहा भवनों का नक्शा पास। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी रांची में लोग अपने घर का नक्शा पास नहीं करवा पा रहे हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि इस मामले में रांची नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से नक्शा पास कराने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे तकनीकी समस्याओं की वजह से नहीं हो पा रही। जल्द ही उसे ठीक कर लिया जाएगा और नक्शा पास किया जाएगा। बता दें, RRDA और रांची नगर निगम में लोगों के मकान का नक्शा अब तक पास नहीं हो पा रहा, जबकि 1 महीने पहले ही हाई कोर्ट ने निगम और RRDA को नक्शा पास करने की अनुमति दे दी है। निगम और RRDA में नक्शा पास कराने में हो रही धांधली को लेकर हाई कोर्ट ने वर्ष 2022 के दिसंबर माह में ही नक्शा पास करने की अनुमति पर रोक लगाई थी। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड नाराज। नव गठित झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड ने बिना न्यास बोर्ड को जानकारी दिए ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की दान पेटी को खोले जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। पहाड़ी मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष होने के नाते रांची DC को पत्र लिखकर न्यास बोर्ड ने पूछा है कि किसके आदेश पर पहाड़ी मंदिर की दान पेटी खोली गई और न्यास बोर्ड गठित हो जाने के बावजूद इसे इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। बता दें, झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा ने कहा है कि बिना न्यास बोर्ड को जानकारी दिए पहाड़ी मंदिर की दान पेटी खोलना एक गंभीर मुद्दा है। मानसून से गिरा झारखंड का तापमान। राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के कुछ हिस्सों को छोड़ कई क्षेत्रों में मानसून का असर भी दिखना शुरू हो गया है। राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो यहां का मौसम रिमझिम बारिश के बाद बदल गया है। तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। दिन भर रिमझिम फुहारों ने राजधानी के मौसम की फिजा बदल दी है।
बारिश के बाद यहाँ के तापमान में भी काफी गिरावट हुई है। अब तक राजधानी के लोगों को तेज बारिश का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि अगले 5 दिनों में पूरे राज्य में झमाझम बारिश होने की संभावना है। 2024 में पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने की विपक्ष की कवायद तेज। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने की विपक्ष की कवायद तेज हो गई है। बिहार में हुए विपक्षी एकता की पहली बैठक के साथ ही झारखंड में सीटों की दावेदारी पर भी माथापच्ची तेज हो गई। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल होने वाली गठबंधन दलों की अगली बैठक के पहले लोकसभा सीटों के चयन पर विमर्श में जुट गया है। इसे अंतिम रूप देने के लिए 4 जुलाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक बुलाई गई। बता दें रांची के सोहराय भवन में होने वाली मोर्चा की बैठक में केंद्रीय समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जिला समितियों के अध्यक्ष एवं सचिव को बैठक में बुलाया गया है। स्टेट ओलंपियाड में 1,00,000 छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। झारखंड में JCERT द्वारा आयोजित होने वाली दूसरी झारखंड स्टेट ओलंपियाड में 1,12,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। बता दें 3 कक्षाओं 7वीं, 8वीं और 9वीं के लिए होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए 1,00,000 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। झारखंड स्टेट ओलंपियाड के लिए JCERT अपनी तैयारी में जुटी हुई है। यह प्रतियोगिता अगस्त में आयोजित होने की संभावना है। इस बार भी स्टेट ओलंपियाड 5 विषयों गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान में आयोजित होगी। विद्यार्थी इनमें से एक या एक से अधिक या फिर सभी विषयों में भाग ले सकते हैं। यह परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में जिला स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें हर जिले से 15 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए किया जाएगा। अंधाधुंध फायरिंग से थर्रा उठा झारखंड का साहेबगंज। रविवार रात साहेबगंज गोलियों की अंधाधुंध फायरिंग से थर्रा उठा। बता दें साहेबगंज के नगर थाना क्षेत्र में गुप्ता मार्केट के पास रविवार की रात करीब 8 बजे अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। फायरिंग की इस घटना में मजहर टोला के रहने वाले असगर अंसारी और कुलीपाड़ा दाहिया टोला निवासी साहेब कुरैशी बुरी तरह घायल हो गए। साहेबगंज के इस गोलीकांड में साहेब कुरैशी को 3 गोली लगी है जबकि अफसर अंसारी के गर्दन में 1 गोली लगी जो पार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आद्रा रेल मंडल के आद्रा ग्राम के पास 2 मालगाड़ियों की टक्कर, कई ट्रेनें रद्द। आद्रा रेल मंडल के आद्रा ग्राम के पास 2 मालगाड़ियों की टक्कर हो गई। इस घटना में मालगाड़ी के 12 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए और उनके पुर्जे टूटकर बिखर गए। घटना के बाद 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनों के मार्ग भी बदले गए। बता दें धनबाद आने वाली बिष्णुपुर धनबाद मेमो सुबह रद्द होने से दोपहर में धनबाद से बांकुड़ा जाने वाली ट्रेन रद्द रही। वहीं खड़गपुर से गोमो आने वाली ट्रेन रद्द होने से दोपहर में गोमो के खड़गपुर जाने वाली ट्रेन भी रद्द रही है। गढ़वा थाना में ग्रामीण की संदेहास्पद मौत। गढ़वा थाना क्षेत्र के कितासोती गांव निवासी ब्रजेश प्रजापति 45 वर्षीय के गढ़वा थाना परिसर में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने सदर अस्पताल पहुंचकर गढ़वा पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए तथा जमकर हंगामा किया। परिजनों ने कहा है कि ब्रजेश कुमार व उनके पुत्र शशिकांत प्रजापति को प्रमिला कुंवर के आवेदन पर गढ़वा थाना बुलाया गया था। यहां थाना परिसर में बैठा कर पुलिस ने कई तरीके से उसे धमकाया। इस दौरान ब्रजेश को खाना पीना कुछ नहीं दिया गया, उसे पानी भी नहीं दिया गया। बीपी की दवा खाने के लिए भी ब्रजेश ने कई बार पुलिस से गुहार लगाई। आरोप है कि पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। परिजनों का कहना है कि जब थाने में मौत हुई है तो पुलिस अस्पताल में मौत क्यों बता रही है। रामगढ़ के बड़का खाना में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव को रेलवे ने बताया अफवाह। वंदे भारत ट्रेन का रविवार को भी ट्रायल रन किया गया। ट्रेन पटना से चलकर रांची आई तथा दोबारा वापस रांची से पटना लौट गई। इस ट्रेन का उद्घाटन 27 जून 2023 को रांची स्टेशन से किया जाएगा तथा वंदे भारत ट्रेन आम लोगों के लिए सवारी के लिए 28 जून से उपलब्ध होगी। रविवार को वंदे भारत ट्रेन पर बड़काखाना क्षेत्र में पथराव होने की अफवाह फैल गई है। सोशल मीडिया पर भी यह खबर वायरल होने लगी लेकिन पत्थरबाजी की खबर महज अफवाह थी। बता दें वायरल खबर में दिखाया गया है कि वंदे भारत का एक शीशा चटका हुआ है। इस संबंध में रेलवे के सहायक सुरक्षा आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव से पूछे जाने पर कहा है कि ट्रेन पर पथराव नहीं हुआ है, किसी और कारण से केवल एक शीशा चटका है। आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र के भवन का शिलान्यास।
खरसावा विधायक दशरथ गगराई ने रविवार को खरसावा की जोराडीह पंचायत के जोजोपी गांव तथा बड़ा आमदा के आमदा गांव में आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन का शिलान्यास किया। झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से दोनों गांवों में करीब 25-25 लाख की लागत से आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन का निर्माण किया जाएगा। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक दशरथ गगराई ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में खरसावा 20 क्षेत्र से 137 जनजातीय कला भवन बनेंगे। खरसावा विधानसभा के सभी क्षेत्र के गाँव में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मानव तस्करी की शिकार सरांडा की एक बेटी दिल्ली से बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सरांडा क्षेत्र के दुइया गांव से मानव तस्करी की शिकार एक युवती दिल्ली के पश्चिम बिहार क्षेत्र से बरामद हुई है। दो साल पहले सरांडा की यह बेटी मानव तस्करी की शिकार हुई थी। छोटा नागरा थाना प्रभारी उमा शंकर वर्मा दिल्ली के पश्चिम बिहार थाना पुलिस के सहयोग से पश्चिम बिहार निवासी वैभव गुप्ता के घर से इस युवती को बरामद किया। शनिवार की शाम उसे चाईबासा स्थित CWC में पेश किया गया, जहां से जरूरी औपचारिकता को पूरा करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। लातेहार में करंट लगने से 6 मवेशियों की मौत। लातेहार जिला के गारू थाना क्षेत्र के बकुला बांध में बिजली का करंट लगने से रविवार को 6 मवेशियों की मौत हो गई। इससे मवेशी पालकों की कमर टूट गई। पशुपालकों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। किसानों ने कहा है कि खेती बाड़ी के समय पशुओं की मौत से उन्हें बड़ा झटका लगा है। इधर मुखिया ने प्रखंड प्रशासन से पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। रेलवे में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर गिरिडीह की एक महिला से 8 लाख रुपए की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। ठगी करने का आरोप एक सरकारी शिक्षक पर ही लगा है। अब महिला जब अपने रुपए वापस मांग रही है तो पिछले 2 साल से आरोपी शिक्षक द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। ऐसे में अब महिला ने इस मामले में पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उक्त शिक्षक के द्वारा महिला के पुत्र को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर अलग अलग किस्तों में 8.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। बता दें गिरिडीह के बक्सीडीह रोड निवासी ज्योति कुमारी का पुत्र सुदर्शन कुमार हजारीबाग में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है। सरावनी मेले में 8,650 पुलिसकर्मी की होगी तैनाती। देवघर में 4 जुलाई से शुरू हो रहे राजकीय श्रावणी मेले की तैयारी शुरू हो गई है। श्रावणी मेला में प्रतिदिन हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा व्यवस्था के साथ सुगमता पूर्वक बाबा भोले पर जलार्पण कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गई। इस दौरान विधि व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक न हो, इसे लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर देवघर जिला में 8,650 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। इससे संबंधित आदेश पुलिस मुख्यालय IG अभियान ने जारी कर दिया है। पुलिस कर्मियों की तैनाती 30 जून से लेकर 1 सितंबर 2023 तक के लिए की गई है। वहीं 8,650 पुलिस कर्मियों में 120 इंस्पेक्टर, 726 सब इंस्पेक्टर और ASI, 1,080 हवलदार, सशस्त्र पुलिस 6,200 हवलदार और आरक्षी लाठीवाल, 514 महिला पुलिसकर्मी के अलावा 2 SLOT ग्रुप, 2 बम निरोधक दस्ता, 2 अश्रु गैस दस्ता और 2 ATS की टीम के अलावा 2 श्वान दस्ता भी मौजूद रहेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए ली गई परीक्षा रद्द। पलामू जिले के 2 सरकारी उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 6 से 11 में नामांकन के लिए 30 मई 2023 को प्रवेश परीक्षा ली गई थी। पलामू DC के आदेश पर शिक्षा विभाग ने इसे रद्द कर दिया है। DC को परीक्षा में छेड़छाड़, कदाचार और घोर अनियमितता की शिकायत मिली थी। इसके बाद DC ने परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था। अब इस परीक्षा को फिर से 2 जुलाई को लेने की तैयारी शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। परीक्षा रद्द होने पर परीक्षा लेने वाले शिक्षकों पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रवेश परीक्षा और कॉपी जांच में भारी गड़बड़ी पाई गई। पसंदीदा बच्चों के अंक बढ़ाने की भी बात सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभागीय जाँच के बाद दोषी लोगों पर FIR दर्ज करने की तैयारी है। मरीजों से अनुचित पैसे लेने वालों की खैर नहीं। धनबाद के कोर्ट मोड़ स्थित सदर अस्पताल के कर्मचारियों को अब मरीजों से इलाज के बदले अनुचित पैसा लेना महंगा पड़ सकता है। ऐसे कर्मचारी और डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर है। सदर अस्पताल प्रबंधन की ओर से अस्पताल परिसर में जगह जगह नोटिस लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि किसी भी मरीज से पैसे मांगने पर अस्पताल प्रबंधन से इसकी शिकायत की जा सकती है। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया है कि किसी भी मरीज से पैसे की मांग नहीं की जा सकती। ऐसा करने वाले डॉक्टर और कर्मचारी पर कार्रवाई होगी। बता दें सदर अस्पताल में मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाने में कई बार पैसे मांगे जाने की शिकायत की गई है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन को भी इसकी शिकायत की गई थी।
बोकारो के नवाडी के सीआरपीएफ जवान की डेंगू से मौत। झारखंड के बोकारो जिले के नवाडी प्रखंड के दहियारी पंचायत अंतर्गत न्यू दहियारी गांव निवासी सीआरपीएफ जवान शमीम अख्तर 35 वर्षीय की शुक्रवार की देर रात पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित सीआरपीएफ अस्पताल में डेंगू के इलाज के क्रम में मौत हो गई। वह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 111 सीआरपीएफ बटालियन में कार्यरत थे। उनका तबादला झारखंड के रांची 133 बटालियन में हो गया था। बता दें, शमीम का शव न्यू दहियारी गांव पहुंचते ही मृतक के वृद्ध पिता जाकिर हुसैन, माता मुफीदा खातून। झारखंड के दो और शहरों से हवाई सेवा जल्द। झारखंड के दो और शहरों से हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। एयरपोर्ट निदेशक के एल अग्रवाल ने कहा है कि बोकारो व दुमका एयरपोर्ट के निर्माण का काम पूरा हो गया है। बोकारो एयरपोर्ट में विमान के आवागमन को लेकर बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन से कहा गया है कि वह DGCA से लाइसेंस के लिए आवेदन करे। वहीं दुमका एयरपोर्ट से परिचालन के लिए झारखंड सरकार से पत्र लिखकर DGCA से लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि बोकारो एयरपोर्ट पर ATR-72 विमान के आवागमन की सुविधा है। वहीं दुमका एयरपोर्ट पर 90 सीटर विमान की आवागमन की सुविधा होगी। उन्होंने कहा है कि इस्पात उद्योग के लिए विख्यात बोकारो से हवाई सेवा की शुरुआत होना काफ़ी सुखद होगा। धन्यवाद।